हरी ओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए, आज क्या है कोरल ड्रॉ में एक टाइपोग्राफी के बारे में देखेंगे। अभी देखो ये डिज़ाइन करके टाइप करके रखा है मैंने। अभी इसका जो फॉन्ट का जो स्टाइल है इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करके इसको एक बार कन्वर्ट टू करो करो कंट्रोल क्यू प्रेस करने से कन्वर्ट करो होता है। अभी इसको एक बार कॉपी भी कर लेता हूँ। सो अभी क्या है, इधर फ्री हैंड टूल लेता हूँ। फ्री हैंड टूल लेके इधर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन ड्रॉ करके इस लाइन को क्या है, यहाँ से होल्ड करके यहाँ पे लाता हूँ। जो जी का ये जो लाइन है यहाँ पे स्नैप होने के बाद क्लिक को छोड़ देता हूँ। इधर स्नैप होने के बाद क्लिक को छोड़ दिया मैंने। ये अभी जो स्नैप हो रहा है, स्नैप क्यों हो रहा है, व्यू के अंदर हमने क्या रखा है, इधर स्नैप टू ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखा है। इसको कभी भी आपको एक्टिव रखना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके ट्रिम करता हूँ। ट्रिम करने से देखो ये क्या है, कट हुआ है। अभी इसको कंट्रोल के करता हूँ। कंट्रोल के करने से ब्रेक हुआ है। अभी इन सबको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अभी इन सबको सेलेक्ट करो, आप सेलेक्ट करके वेल्ड करो। ये वेल्ड हो गया। अभी वेल्ड करने के बाद अभी इसको क्या है, ट्रांसपेरेंसी टूल लेता हूँ, लेके यहाँ से ऐसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। ये ऐसे ट्रांसपेरेंसी बन गया। अभी अभी इसको मुझे क्या करना है, बिट मैप करना है। तो इधर बिट मैप में आता हूँ, कन्वर्ट टू बिट मैप बोलता हूँ। सो अभी इधर आपको क्या है, मोड आपको जो चाहिए वो आप रख सकते हैं, CMYK या RGB रख सकते हैं। अभी के लिए इधर RGB रखा है मैंने, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को एक्टिव रखते हुए इसको ओके बोलता हूँ। तो ये बिट मैप हो गया। अभी अभी इधर क्या है, कंट्रोल V करता हूँ, जो हमने कन्वर्ट टू कर्व किया था वो फॉन्ट क्या है, पेस्ट हो गया अभी। सो अभी इसको क्या है, फिर से लाइन को पहले सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर से आप ट्रिम करो। ट्रिम करने से कट हुआ है। इसको एक अलग कलर भी देता हूँ मैं अभी के लिए, एक रेड शेड दिया मैंने। कंट्रोल के करता हूँ तो ये ब्रेक हुआ है। अभी देखो ये सब अलग अलग हुआ है। अभी क्या है, यहाँ से अभी ये सिलेक्टेड है, शिफ्ट के साथ इन सबको सिलेक्ट करता हूँ मैं। अभी देखो ये जो जी का पोर्शन है ये भी शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करना है। तो देखो अभी ये सब सिलेक्ट हुआ है। इसको क्या है, वेल्ड करता हूँ। अभी इसी तरह क्या है, इधर बॉटम से ऐसे ड्रैग करता हूँ, ये सब इसके अंदर आ गया। अभी इसको भी वेल्ड कर लेता हूँ। सो अभी इसको सिलेक्ट करते हुए और एक बार क्लिक करो आप, तो यहाँ पर आप स्क्यू कर सकते हैं। अभी इधर कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे लेता हूँ, तो देखो ये स्नैप हो रहा है, यानी ये 15 डिग्रीज हो गया। अभी और एक बार करता हूँ तो ये 30, और एक बार करता हूँ तो 45, और एक बार करता हूँ तो ये क्या है, 60 डिग्री ऐसे स्क्यू हुआ है। अभी ये जो बिहाइंड हमने ये क्रिएट किया है, इसको भी क्या है, और एक बार क्लिक करके इसको भी एक 30 डिग्री स्क्यू कर लेता हूँ। अभी देखो ये 15, और एक बार लेता हूँ तो ये 30 डिग्री हो गया। अभी ये जो बॉटम में है इसको सेलेक्ट करो आप, इसको और एक बार क्लिक करो। क्लिक करके इसको क्या है, इस पॉइंट को होल्ड करके अभी लेफ्ट में लेता हूँ। इसको भी आपको क्या करना है, 30 डिग्री करना है, यानी दो बार स्नैप होने के बाद क्लिक को छोड़ दिया मैंने। अभी इन सबको सेलेक्ट करता हूँ मैं। अभी यहाँ पे क्या है, इधर आता हूँ, ये क्या है, शेप टूल के अंदर इधर क्या है, आपको फ्री ट्रांसफॉर्म करके है, और इधर ये रोटेशन वगैरह है। तो इधर स्क्यू में आता हूँ मैं, फ्री स्क्यू करके है, इसको सेलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंटर से ऐसे एक बार क्लिक करके थोड़ा ऐसे ऊपर स्ट्रेट में लेना है, और इधर क्या है, लेफ्ट में लेता हूँ, भी थोड़ा स्ट्रेट लेके बाद में लेफ्ट में लेता हूँ। ये जो आपको यन जो लास्ट में दिखाई दे रहा है वो स्ट्रेट में आना चाहिए। देखो अभी स्ट्रेट में आपको लास्ट में जो यन है वो स्ट्रेट में आपको दिख रहा है। अभी इधर क्लिक छोड़ देता हूँ मैं, तो देखो अभी ऐसे आ गया। ये समझ में आ रहा है आपको। अभी एक बार इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, पिक टूल लेके डीसेलेक्ट करता हूँ। अभी इस पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके रेड में थोड़ी देर तक होल्ड करता हूँ। होल्ड करके थोड़ा क्या है, डार्क शेड देता हूँ मैं। सो अभी इस लाइन को आप क्या करो, डिलीट करो। ये क्या है, एक 3D टाइपोग्राफी का डिज़ाइन बन गया। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।